हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरके एस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक एमआई ब्रांड का फ़ोन है और इस फ़ोन का जो प्रॉब्लम है चार्जिंग का। तो फ्रेंड चलिए, क्या है इसका प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने चार्जर इनपुट किया लेकिन इसमें कोई भी ग्राफिक शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर को चेक करके देखते हैं कि इसमें वोल्टेज जो है वो चार्जिंग के लिए परफेक्ट आ रहा क्या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वोल्टेज जो है बैटरी कनेक्टर पे नहीं आ रहा है। तो बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव को चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए, ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव चारों पिन में से। तो यहाँ पे देखिए, बैटरी कनेक्टर में चार्जिंग होने के लिए कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अभी इस फ़ोन को यहाँ पे फटाफट से मैं रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, अभी क्या करना है देखिए, अभी एक्चुअली ये जो चार्जिंग पिन है, चार्जिंग पिन ठीक है क्या और इसका जो वोल्टेज है, इसको पहला जो स्टेप है यहाँ पे चार्जिंग पिन को चेक करके देखना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो चार्जिंग पिन है, इसमें जो वोल्टेज है वो बराबर से आ रहा है 4 point something। अभी देखिए, बैटरी कनेक्टर में कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है और यहाँ पे चार्जिंग जो पिन है, यहाँ पे जो वोल्टेज है चार्जर का, यहाँ पे परफेक्ट शो कर रहा है लेकिन बैटरी कनेक्टर में कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड, इसके वजह से इस फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो चार्जिंग का पिन है ये यहाँ पे परफेक्ट है और यहाँ से होके कनेक्शन ऊपर तक जाता है। तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। तो ये है नीचे का बोर्ड और ये जो पेपर है, पेपर के थ्रू नीचे का जितने भी सारे सप्लाई है, जैसा कि माइक्रोफोन और चार्जिंग, ये टोटल सप्लाई इस पेपर के थ्रू अपर मदरबोर्ड पे जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे जो मेन बोर्ड है उसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो पेपर है, पेपर को यहाँ पे चेक करके देखना है, यानी कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है और ऊपर जो पेपर है, पेपर तक यहाँ पे जा रहा है क्या, उसको यहाँ पे फाइंड आउट करके देखना है। तो यहाँ पे जो चार्जर है मैं इनपुट करता हूँ। तो अभी इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को यहाँ पे ट्रेस करना है। तो जैसा कि चार्जिंग पिन यहाँ पे ठीक है, इसका जो वोल्टेज है बराबर है, अभी ऊपर देखिए, जो यहाँ पे पेपर है यानी कि अपर बोर्ड तक जो पेपर है, इसका जो सप्लाई है यानी कि वोल्टेज को यहाँ पे चेक करके देखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं सप्लाई हो रहा है, तो इसके वजह से इसका चार्जिंग जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। ठीक है, तो अभी जितने भी सारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं, आपका जो एक लोअर पार्ट है उसमें जो है आपका चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ रहता है, तो आपको इस तरीके से जो है ट्रैक करना होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है देखिए, एक्चुअली ये जो पेपर है, पेपर में कहाँ पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि जो चार्जिंग का सप्लाई है वो इस पेपर में यानी कि कनेक्टर में कहाँ पे जाता है, इसको फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रेस नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सप्लाई है यानी कि ये देखिए 2 और 3 नंबर, इस सप्लाई में चार्जिंग पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये जो माइक्रोफोन है इसके ठीक साइड में 2 और 3 नंबर इसका जो है पॉजिटिव सप्लाई यानी कि चार्जिंग सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड जो है वो चेक हो गया नीचे का, अभी जो पेपर है पेपर को चेक करके देखना है। तो 1 और 2 नंबर पिन पे यहाँ पे देखिए जो है चार्जिंग सप्लाई, तो नीचे से लेके ऊपर तक जो पेपर है ये ठीक है क्या, इसको अभी चेक करके देखना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सप्लाई जो है बराबर से आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये पेपर अभी ठीक है। तो फ्रेंड मेनली जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखिए पेपर ठीक है, यहाँ पे जो लोअर बोर्ड है इसका प्रॉब्लम है, यहाँ से लेके जो पेपर तक सप्लाई है वो नहीं जा रहा है, इसलिए चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी ये प्रॉब्लम जो है ट्रेस हो गया। अभी क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे जो चार्जिंग पिन है इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई में एक जम्पर वायर को जम्पर कर देता हूँ, तो अभी नीचे से लेके यानी कि लोअर बोर्ड से लेके अपर बोर्ड तक जो चार्जिंग का पॉजिटिव सप्लाई है इसको जम्पर करना है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लोअर बोर्ड का जो पॉजिटिव सप्लाई है वो कट ऑफ है, इसलिए जो पॉजिटिव वोल्टेज है यानी कि चार्जिंग का जो सप्लाई है ऊपर बोर्ड तक नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक जो जम्पर वायर है मैं जम्पर कर देता हूँ, नीचे मैं ऑलरेडी जम्पर कर दिया, अभी ये जो पेपर है पेपर के ऊपर साइड में जो पॉजिटिव सप्लाई है इसमें जम्पर कर देता हूँ, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे जम्पर करके फिर चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो जम्पर है मैंने लगा दिया। ठीक है, तो चलिए अभी इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्जर को इनपुट कर दिया, तो अभी इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज को ऊपर तक चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर पेपर तक इसका जो वोल्टेज है बराबर आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे फ़ोन को मैं फटाफट से फिटिंग कर देता हूँ और उसके बाद चेक करके देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है।